तो यूके से यूरोप फ्लाई करने के लिए काफी डिफरेंट तरह की फ्लाइट्स होती हैं और कुछ बजट फ्लाइट्स होती हैं जिसमें आती है इजी जेट, विज एयर और रायनेयर, और ये ज्यादातर लंदन के दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाई करती है हीथरो की जगह। तो ज्यादातर जैसे कि गैटविक हो गया, लूटन, स्टैनस्टेड, इसमें आप कैब करके भी जा सकते हैं या ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा रूट आपको ज्यादा सूट करता है। ये तो हो गई बजट फ्लाइट्स की बात। इसके अलावा एक और टिप है कि इनमें ज्यादातर लाइट ट्रेवल करने पे ही ये फ्लाइट ज्यादा चीप पड़ती है। अगर आप बैगेज ऐड करेंगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो अगर आप ट्रैवल लाइट करते हैं तो वो वैसे भी बोर्डिंग के लिए भी इजी रहता है कि यू कैन स्टेट अवे गो टू सिक्योरिटी, बिकॉज ऑनलाइन बोर्डिंग पास आप दिखा के सिक्योरिटी पे जा सकते हो और उसके बाद आप बोर्डिंग कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर बैग ड्रॉप एंड ऑल दोस थिंग्स। वो भी एक बेनिफिट होता है ट्रैवल लाइट करने का। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है जब भी आप यूके से यूरोप फ्लाई कर रहे हो। दिस टाइम कियान को भी अपनी सीट मिली है बिकॉज ही इज ओवर 2। तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, सीधा यहाँ पे ट्रैमवे है, यहाँ से ट्रैम मिल जाती है और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको सोलो टिकट लेनी है अगर आप अकेले हैं, बस यहाँ पे ये करना है। तो यहाँ यह करा, यहाँ तो कॉइन्स डाल दो, यहाँ का कोई कार्ड है उसको स्वाइप कर दो, या फिर यहाँ पे अगर आपके पास यूके का या किसी और कंट्री का वर्चुअल कार्ड है, बस अदर कार्ड है तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से टिकट ले लिया हमने। तो ये हमारी ट्रैम आ गई है जो कि 9 मिनट में निकलेगी। Then this is a tram. Tram. Hi guys, हम लोग हैं आज नीस में जो कि है फ्रेंच रिवेरिया पे सिचुएटेड और ये फ्रांस के मेडिटेरेनियन कोस्ट में पड़ता है। और इस एरिया में और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो कि पॉपुलर है अपने ग्लैमरस बीच रिजॉर्ट्स के लिए, जैसे कि सेंट ट्रोपे और कांस जो कि अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए फेमस है जो कि हर साल होता है कांस पे, और मोनाको जहाँ पे कार्स की F1 रेस होती है। आपने भी फ्रांस के वीजा के लिए अप्लाई किया है और आप पेरिस ऑलरेडी घूम चुके हैं तो दिस कुड बी योर सेकेंड प्लेस जहाँ पे आप घूम सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को ब्यूटी एंजॉय करनी है, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है और सिटी का भी मजा लेना है तो ये एरिया पूरा जो कोस्टल टाउन है एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये काफी आगे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मशीन से निकला फ्रेश ऑरेंज जूस मिल जाता है। तो ये ऑर्डर करके लेके आई हूँ मैं अंदर से, और अभी हमने दो कैफेज का, ऐसे छोटे छोटे कैफेज का एक्सपीरियंस लिया है और दोनों जगह पे ऐसा मिला कि इंग्लिश नहीं आती थी लोगों को, बहुत थोड़ी बहुत, वो भी किसी एक बंदे को, मतलब अगर 4 स्टाफ हैं तो उसमें किसी एक को थोड़ी बहुत आती है, वो समझ के उसने दिया है हमें कुछ कुछ खाने को। तो ये यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है कि इस पार्ट ऑफ फ्रांस में मतलब फ्रेंच ज़्यादा बोल रहे हैं लोग और इंग्लिश भी नहीं आती लोगों को, बट ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम लोग आ गए हैं ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन बहुत फेमस है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिटी का पूरा फील लेने को मिलता है और आप देख ही सकते हैं कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ओपन में और लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बड़ा प्यारा सा फाउंटेन लगा हुआ। उधर नीस का भी साइन लगा हुआ है, वहाँ पे लोग टूरिस्टिक फोटोज खिंचवा रहे हैं। सिटी पूरी जो है यहाँ पे ट्रैम से कम्यूट की जा सकती है इजीली और बहुत सही कनेक्टिविटी है पूरे टूरिस्ट स्पॉट्स पे। और अभी नितिन एक सेवर वाली टिकट भी लेके आया है, मतलब 100 है कि आप 1.5 यूरो में आप कहीं पे भी एक बार जा सकते हो। बट ऐसे सेवर टिकट्स भी आती हैं जिसमें आप 10 जर्नीज 10 यूरोज में कर सकते हो। अगर आपके हैं 2-3 दिन और आप काफ़ी टू एंड फ्रो करने वाले हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो दोनों लोगों के लिए एक कार्ड। तो रफली 8.5 पाउंड में आप 10 जर्नीज ले सकते हैं। गलियां ओल्ड नीस की, हम रास्ता देख रहे हैं कि कैसे जाएंगे हम। एक्चुअली जो एक्चुअल मजा है घूमने का वो इन्हीं गलियों में ही है जो कि रियल लोकल फील दिलाती है यहाँ की। हर जगह जो मेन्यूज वगैरह भी हैं वो सब फ्रेंच में लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है। हाँ, कि वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है,
क्या खाना चाह रहे हैं आप। हाँ, और लेंस यूज करके आप फिर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मतलब बहुत जगह पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली हर जगह रिटन भी और वर्बली भी फ्रेंच ही मेन लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है। छोटा सा कहते हैं, तो ये मैं पिस्टाशियो लेके आई हूँ इधर वाली शॉप से, और वहाँ पे एक लेडी ने मेरी खुद ही हेल्प कर दी कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया सारे फ्लेवर्स, और मैंने फिर ये चूज कर लिया। सो इट्स ही पुस्ट करना नहीं है, यम्मी। टाउन के बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर चर्च बनी हुई है। अगर आप इस एरिया में आते हैं, देन इट इज अ मस्ट विजिट। तुम कासल हिल जा रहे हैं, और यहाँ पे जाने के लिए आपको काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर आप हमारी तरह बुजुर्ग हो चुके हैं तो आप लिफ्ट भी ले सकते हैं, ये यहाँ की एक अच्छी चीज है। और फ्री है लिफ्ट, जस्ट FYI, किसी को अगर लगे कोई चार्जेस नहीं है। वो लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, स्टेयर से भी चढ़ रहे हैं, वो देख के थकान हो रही है, तो हम तो लिफ्ट से जाने वाले हैं, स्पेशली विद अ बगी एंड अ बेबी, और टॉप पे जाके व्यू एंजॉय करेंगे। लिफ्ट से उतरते ही ये व्यू है। हाउ इज द व्यू शर्मा जी? बहुत सही है, लिफ्ट से आए हैं, बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ी थोड़ी यहाँ से वो डेप्रोनिक की फीलिंग नहीं आ रही है? सुंदर लग रहा है, वो ऑरेंज छतें दिख रही है ना। कासल हिल के ऊपर पार्क भी है, और अभी हम क्यान को थोड़ा एंजॉय कराने लेके जा रहे हैं पार्क में। अपार्ट फ्रॉम व्यू, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पूरा अच्छा पार्क बना हुआ है, बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है। वो पूरा ओल्ड पोर्ट है, एज यू कैन सी, सो ब्यूटीफुल। तो कासल हिल पे ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। आप कासल हिल वाली लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, उसके जस्ट ऑपोजिट में पूरा बीच एरिया है, और आई लव मीस का जो फेमस साइन है वो भी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे सब टूरिस्ट फोटो खिंचवाते हैं, तो हम लोग भी अभी वही करने जा रहे हैं। तो ये पहली जगह ऐसी हमें मिली है जहाँ पे मेन्यू भी इंग्लिश में है और लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं, और खाना भी एक दो ऑप्शन है वेजिटेरियन। फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर हमें कुछ खाने तो मिलेगा। ये है बक्का बार, और ये जस्ट बीच के ऑपोजिट काफी सारे बार्स बने हुए हैं। कासल हिल की साइड जब आप घूमने आओगे तो आपको इजीली इसके पास ही बार मिल जाएंगे। ये आ गए, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है खाना। क्या क्या है ये? बीटरूट फलाफल, एंड देन वेजी बर्गर एंड फ्राइज, एंड आवर ड्रिंक। इट्स डे टू एंड नाउ वी आर हेडिंग टू बीच। तो ये जो बीचेस है ये सेंटर में, काफ़ी सारे बीचेस बने हुए हैं। अब नाम भी थोड़े इनके अजीब अजीब से है, तो मैं नीचे डाल देना डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पूरा अच्छे से। और आपको बाकी अट्रैक्शंस के भी पास पड़ेगा ये, तो आपको इजी भी रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड मिलेगी, ज़्यादा लाइवली रहेंगे ये वाले बीचेस। यहाँ की एक लोकल पेस्ट्री है टॉर्टेड ब्लेड्स, तो जैसा आपने छीला होता है मुझे तो वैसा मिलता होता लग रहा है, और लेकिन ये चीज़ सही है कि यहाँ पे इसमें नमक मिर्च है, ऐसा नहीं है कि फीका पाका नहीं है। तो यहाँ की लोकल डिश है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। छीले से ज्यादा क्रिस्पी है, प्योर सॉफ्ट एट द सेम टाइम, है ना। हाँ।